चलिए देखिए, हमने पिछली बार बच्चे, अब तुम्हारी मम्मा का क्या हाल है भव्या? ठीक ठीक हो गए। हो गया? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। कब आ रहे हैं अब? हल्का हल्का सा है, बस हल्का सा, हाँ हल्का हल्का सा है अभी तो। तब चलो, कोई बात नहीं, फिर तो ठीक हो जाएगी। चलिए, और इस हफ्ते की बात है, नेक्स्ट वीक फिर जाकर ले आना उन्हें। चलिए बेटा, हमने लास्ट टाइम यू हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मच्योर स्पर्म विच इज फॉर्म्ड आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मैंने बताया भी था, अगेन आई एम टेलिंग यू, अपना डायग्राम देखना। इट हैज हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। द हेड हैज टू पार्ट्स। बड़ा पार्ट जो है वो न्यूक्लियस, अपने डायग्राम पे ध्यान दो, और छोटा जो टिप पे है वो है एक्रोसोम। एक्रोसोम किससे बनता है ये याद रखना है, गोल्जी बॉडीज से बनता है एक्रोसोम। क्या है एक्रोसोम में? एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मीन विच ब्रेक डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इंटू सिंपलर बाय एडिशन ऑफ वॉटर। हाइड्रो मीन्स वॉटर, वॉटर की एडिशन से जो ब्रेक डाउन करे। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स है? सच एज जोनालाइसिन, हेयालुरोनाइडेज एक्सेट्रा। और इन एंजाइम्स का क्या फायदा है कि जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म एग के पास पहुंचते हैं तो एग के पास मेम्ब्रेन है, एग इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, तो उन मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने के लिए ये एंजाइम्स चाहिए, ताकि इसका न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन है वो एग के अंदर जा सके। ठीक है, तो वो कौन डिजोल्व करता है? एक्रोसोम। न्यूक्लियस मेजर पोर्शन आपको पता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स है? हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। हैप्लोइड मीन जो 2n है उससे आधे, आधे कितने हैं? 46 टोटल क्रोमोसोम्स है, आधे कितने होंगे? 23। 23 में जो 22 है वो ऑटोसोम्स है, और उसके साथ या तो एक्स कंटेनिंग स्पर्म है या वाई कंटेनिंग, या एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा, ये आपको पता है। तो हम कह सकते हैं 22X या फिर 22Y क्रोमोसोम। दिस इज फीमेल फॉर्मिंग स्पर्म, दिस इज मेल फॉर्मिंग स्पर्म, ये हम आगे करेंगे। ठीक है जी, जो नेक है, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पर्म, इट हैज सेंट्रियोल्स। कौन से दो सेंट्रियोल्स है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। जो स्पर्म के ऊपर पोर्शन के पास में है, जो हेड के पास में है, दैट इज प्रॉक्सिमल। पीपी से याद रखना। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन है? दिस सेंट्रियोल इट आल्सो गोज इन द जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये सेंट्रियोल जाइगोट में रहता है, एंड इट हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, राइट। एंड डिस्टल सेंट्रियोल, यू नो, इट फॉर्म्स द एक्सियल फिलामेंट। द मिडल पीस, मिडल पीस हैज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल है, छोटा बड़ा होता रहता है, जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो, दे आर पावर हाउसेस ऑफ द सेल। व्हाई दे आर पावर हाउस? बिकॉज दे आर द साइट फॉर रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज यूज करते हैं, बट जो स्पर्म्स है, मेल स्पर्म्स है, दे यूज फ्रक्टोज। हाँ जी, कौन मुझे बता रहा है कि फ्रक्टोज कहां से आया स्पर्म्स के पास? विच ग्लैंड सिक्रेट्स फ्रक्टोज? जल्दी से हरगुन। मैम याद नहीं। हाँ जी अर्नव, भव्य, बेटा हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना है, हमारी बॉडी में फ्रक्टोज नहीं मिलता। बट क्या हम फ्रक्टोज खाते भी नहीं है? खाते तो है, कहाँ से आता है फ्रक्टोज? फ्रक्टोज आता है सुक्रोज से। हम जो चीनी खाते हैं उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, उसमें सुक्रोज है। सुक्रोज जब डाइजेस्ट हुआ तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा, बट लिवर में जाकर दैट फ्रक्टोज गेट चेंज इन टू ग्लूकोज। और कहीं भी हमें फ्रक्टोज नहीं मिलता,
चीनी में हमें फ्रक्टोज मिलता है या फ्रूट्स में थोड़ा बहुत, फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज फ्रूट शुगर, फ्रूट्स में भी थोड़ा थोड़ा फ्रक्टोज मिलता है, बट इट इज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज इन अवर बॉडी. ठीक है, अवर सेल्स दे डू नॉट यूज फ्रक्टोज एज द सोर्स फॉर रेस्पिरेशन, बट हमारी बॉडी में कहीं पे फ्रक्टोज सिक्रीट भी नहीं होता है एक्सेप्ट मेल्स में. मेल्स में आपको मैंने बताया था कि सेमिनल वेसिकल्स, डू यू रिमेम्बर सेमिनल वेसिकल्स, याद है कि नहीं, जल्दी से बोलो. यस मैम. है ना, सेमिनल वेसिकल्स छोटी छोटी सी ग्लैंड्स है दैट सिक्रीट फ्रक्टोज. ठीक है, तो सिर्फ एक ही जगह फ्रक्टोज बनता है, वो भी सिर्फ मेल्स में, फीमेल्स में वो भी नहीं है, कि सेमिनल वेसिकल सिक्रीट फ्रक्टोज. किस लिए? क्योंकि दे सिक्रीट फ्रक्टोज इन द सेमिनल प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट है सीमन का. ठीक है, और स्पर्म्स उसमें से फ्रक्टोज लेके दे यूज इट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड बेटा ये याद रखो कि सीमन में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, बाकी कहीं भी फ्रक्टोज नहीं होता. दैट इज वाई इन केस ऑफ रेप विक्टिम, है ना, जब किसी का रेप होता है या कुछ है, तो उस टाइम उसमें क्या चेक किया जाता है, उसकी वजाइना से फ्लूड लेके चेक किया जाता है, और अगर उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है इसका मतलब सीमन इज देयर इन फीमेल, राइट. बाकी कहीं भी फ्रक्टोज नहीं मिलता, फ्रक्टोज इज प्रेजेंट ओनली इन द सीमन सिक्रीटेड बाय सेमिनल वेसिकल. ठीक है, फ्रक्टोज किस लिए वो मैंने आपको बता दिया. उसके बाद जो टेल है, टेल ये जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म है एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सिंगल इजेक्यूलेट ऑफ सीमन, एक बार में जितना सीमन निकलता है वो कितना है, 3 ml, उसमें कितने स्पर्म्स है, 200 to 300 million स्पर्म्स. ठीक है, और उसमें से, इनमें से देयर शुड बी इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म्स जो है वो नॉर्मल, डिग्रेडेड नहीं होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और इन 60% में से जो आगे 40% है वो अच्छे मोटाइल होने चाहिए, एक्टिवली मोटाइल होने चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन. अगर किसी केस में स्पर्म्स कम है, जरूरी नहीं सब में बने, बहुत ज्यादा स्टेरिलिटी आजकल जो हो रही है वो किस कारण हो रही है, ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगो मतलब सीमन में स्पर्म्स कम है. उसके बाद एक चीज आ जाती है एजुओस्पर्मिया, जब सीमन में जो स्पर्म्स है तो बहुत सारे है बट मैक्सिमम आर नॉन मोटाइल, दैट इज एजुओस्पर्मिया. और एक आ जाती है एस्पर्मिया, एस्पर्मिया कंडीशन आ जाती है व्हेन देयर आर नो स्पर्म्स इन द सीमन, एंड ऑल दीज दे लीड्स टू स्टेरिलिटी. बेटा ओलिगोस्पर्मिया का इलाज है हॉर्मोन्स वगैरह देके स्पर्म काउंट बढ़ाया जा सकता है. एजुओस्पर्मिया का भी थोड़ा बहुत इलाज है, बट किसी पर्सन में एस्पर्मिया हो, मतलब स्पर्म्स है ही नहीं, तो उसका इलाज मुश्किल है, क्योंकि उसके कई रीजन हो सकते हैं कि स्पर्म्स बने ही नहीं, है ना. एक तो है कि बन तो रहे हैं बट वो एक्टिव नहीं है, वो मोटाइल नहीं है, उनको एक्टिव किया जा सकता है मोटाइल, बट स्पर्म्स है ही नहीं है, वो एक मुश्किल चीज है, तो इसका जनरली इलाज नहीं मिलता. इज इट ओके? ठीक है, तो ये जो है अब आप फटाफट से ये नोट कर लो और फिर हम आगे चलते हैं. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कर लो जरा जल्दी. ये भी बेटे जो बॉक्स में लिखा है ना, ये या मिडल पीस के नीचे या कहीं भी, ये भी लिख लेना जो मैंने आपको बताया था फ्रक्टोज के बारे में. यू कैन राइट डाउन दिस वंस. नेक्स्ट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो मेल्स में बेटा स्पर्म्स कब बनने शुरू होते हैं, प्यूबर्टी पे. प्यूबर्टी दैट इज सेक्सुअल मैच्योरेशन,
at age of 12 to 14 years. ठीक है, तो क्या स्टेप होता है? सबसे पहले फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी में इट सिक्रेट्स गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन. आपने पूरा लिखना है, इट इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजर हार्मोन. कौन कौन से हैं? दो है, दैट इज FSHRH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजर हार्मोन, ICSHRH, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजर हार्मोन. ये दोनों पे दो दे एक्ट्स ऑन, ये दोनों किसकी टाइप है? इसकी टाइप है, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजर हार्मोन. दे एक्ट ऑन, सेकेंड पोर्शन पार्ट है, एक्ट्स ऑन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. क्या करते हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे? और पिट्यूटरी ने क्या किया? इट सिक्रीट्स, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और लिखें, एंटीरियर लोब गेट्स एक्टिवेटेड दस सिक्रीट्स एंड रिलीज GnTH इज गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन. हाइपोथैलेमस रिलीजर हार्मोन, पिट्यूटरी गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन. कौन से दो हार्मोन? FSH एंड ICSH, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दे एक्ट ऑन इंटरस्टीशियल सेल्स, या फिर यहां पे कह सकते हैं हम लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस. ठीक है, ये इसको एक्टिवेट करते हैं लीडिंग सेल्स को. और लीडिंग सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट एंड्रोजन. राइट, एंड्रोजन क्या है? हाँ जी बेटा, एंड्रोजन का मतलब है मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन. राइट, तो एंड्रोजन कौन सा है? इट इज टेस्टोस्टेरोन. कौन सिक्रीट करता है? इंटरस्टीशियल सेल्स. किसके इन्फ्लुएंस में आके? ICSH के इन्फ्लुएंस में आके. टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सच एज यू नो फेशियल हेयर, सच एज डेवलपमेंट ऑफ पेनिस. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर. एक्सियल हेयर कौन से? आर्म पिट्स में, लेग पिट्स में जो हेयर आ जाते हैं. सेकेंड आ जाता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया सच एज पेनिस. Enlargement of Adam's apple. ये एक cartilage है in larynx, हमारे voice box में. Males में वो ज्यादा develop होता है and causes, you know, heavy या फिर लो पिच्ड वॉइस, आवाज भारी हो जाती है. दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? पहला ये है और दूसरा है दैट इज मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, उसके बाद दूसरा है FSH. FSH कहाँ पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स, नर्व सेल्स पे एक्ट करता है. नर्व सेल्स क्या कर रहे हैं? दे सिक्रीट एबीपी. एबीपी की फुल फॉर्म क्या है? मैं इधर लिख रही हूँ, आपने साथ साथ लिखना है. एबीपी की फुल फॉर्म है एंड्रोजन
बाइंडिंग प्रोटीन। ये एबीपी एंड्रोजन के साथ बाइंड करता है ताकि एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन, ताकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो उनकी हाई कंसेंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनी रहे। तो विच कंसेंट्रेट्स, कंसेंट्रेट्स मीन्स लार्ज अमाउंट एंड्रोजन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सर्टोली सेल्स ऑल्सो सिक्रीट्स इनहिबिन, इसको भी हम कहेंगे हॉर्मोन इनहिबिन। जब एबीपी सफिशियंट हो जाता है तो इनहिबिन सिक्रीट होता है विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, राइट। देन सर्टोली सेल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स टू स्पर्म्स, और इसके साथ अलोंग विद टेस्टोस्टेरोन एफएसएच हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इज इट ओके? ठीक है, समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, अब कर लो ये नोट। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ओवोजेनेसिस। पहले तो मैं इन जनरल आपको ओवोजेनेसिस बताती हूँ। ओवोजेनेसिस में बेटा ये बहुत सारे ओवोगोनिया है, बट लेट अस से दिस इज, पहले तो क्या था, जर्म सेल, बहुत सारे जर्म सेल्स है, मल्टीप्लीकेटेड फेज, ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस से टू फॉर्म मेनी ओवोगोनिया। फिर ओवोगोनिया का क्या है, ग्रोथ फेज, क्या बोला, प्राइमरी ओवोसाइट। फिर आ जाती है फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन और मियोसिस वन। आपने मैच्यूरेशन डिवीजन पूरा लिख लिया, मियोसिस वन हुई तो दो सेल्स बने, बट एक बड़ा बना और एक छोटा बना, दोनों ही क्या है, एंड। ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी ओवोसाइट, और ये छोटा क्या है, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। तो बेटा इसमें क्या है, मैक्सिमम न्यूक्लियस ही है, साइटोप्लाज्म या है नहीं, ये बहुत थोड़ा सा है, और इसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म। फिर इन दोनों की क्या हुई, मियोसिस टू या सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस इज एग और ओवम और एक और पोलर बॉडी, और ये थेरेपिकली हम कहते हैं बेटा, जनरली ये डिवाइड करती नहीं है। तो ओवोजेनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वन एग एंड थ्री पोलर बॉडीज, ये थेरेपिकली है बेटा। जनरली जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म ही नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं करती, तो ये नहीं होता है, सिर्फ ये दो चीजें बनती है, सेकेंडरी ओवोसाइट, उसके बाद उसने क्या बनाया, मियोसिस टू करके एग बनाया और एक और पोलर बॉडी बनाई, बट थियोरेटिकली ये है, पहले ये बनाओ फिर हम आगे चलते।
प्राइमरी फॉलिकल में जो प्राइमरी ओवोसाइट है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फेज हो गया, ओगोनिया बन गए जितने बनने थे। उसके बाद ग्रोथ फेज भी देखो, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज फीटस में खत्म हो गया, फीमेल फीटस में, उसके बाद कोई नए ओगोनिया नहीं बनते। उसके बाद ग्रोथ फेज शुरू हो गया, ग्रोथ फेज में क्या है, दैट इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द ओगोनिया टू फॉर्म प्राइमरी ओवोसाइट, ये भी मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है वो हो जाता है, हर ओगोनिया प्राइमरी ओवोसाइट बन जाता है। और तीसरा मैच्यूरेशन डिवीजन, मियोसिस वन, वो भी प्राइमरी ओवोसाइट में शुरू हो जाती है, बट इट इज अरेस्टेड एट, है ना, प्रोफेज वन, प्रोफेज वन शुरू हो जाता है बट वहीं पे ही रुक जाता है, थोड़ा सा होता होगा बट वहां पे रुक, ठीक है। अब गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ग्रोथ फेज हम कहते हैं क्योंकि हमें मैच्यूरेशन डिवीजन नजर तो आ नहीं रही है, तो हम कहते हैं ग्रोथ फेज इज एक्सटेंडेड अप टू प्यूबर्टी, ग्रोथ फेज में ही है, अभी मैच्यूरेशन फेज आया। उसके बाद प्यूबर्टी पे हर महीने क्या सिक्रीट हो रहा है, FSH एंड LH सिक्रीट हो रहा है। FSH क्या कर रहा है, FSH क्या कर रहा है, इसकी मियोसिस खत्म करके, पहले तो FSH ने क्या किया, इसके अराउंड जो प्राइमरी ओवोसाइट था उसके अराउंड बहुत सारी ग्रेन्यूलोसा लेयर्स सिक्रीट की, देयर इज इंक्रीज इन ग्रेन्यूलोसा लेयर्स एंड देयर इज ऑल्सो सिक्रीशन ऑफ पीका लेयर्स इन द प्राइमरी ओवोसाइट एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से प्यूबर्टी पे, उससे पहले कुछ नहीं होता है, प्यूबर्टी पे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ FSH प्राइमरी फॉलिकल चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। क्या डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल में, मोर ग्रेन्यूलोसा लेयर्स है एंड न्यू पीका लेयर्स है। उसके बाद देन हर महीने यही हो रहा है, इससे चेंज हो रहा है, ये किसमें चेंज हो रहा है, दैट इज टर्शरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ, इसमें क्या इवेंट्स हुए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम, ये मैंने पहले बताया था, कैविटी बन जाती है, और दूसरा है मियोसिस वन इज कंप्लीटेड फॉर्मिंग सेकेंडरी ओवोसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, पीबी है पोलर बॉडी। और तीसरी चीज क्या है, दैट इज स्टार्ट ऑफ मियोसिस टू विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेज टू। और टर्शरी फॉलिकल इट चेंजेस इनटू ग्रेफियन फॉलिकल इन विच क्या हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स, एंड सेकेंड क्या हो रहा है,
increasing size of entrance. राइट तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि ओओजेनेसिस कैसे हो रहा है. ओओजेनेसिस में ओओगोनिया इन फीटल लाइफ बाय मल्टीप्लिकेटिव फेज, मतलब जर्म सेल एमपीस मल्टीप्लिकेटिव फेज फॉर्म्स ओओगोनिया. फिर ग्रोथ फेज जिससे प्राइमरी ओओसाइट सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल. ये आपने ये डायग्राम बनाना है, ठीक है. और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने आपको यह बताया था कि इन प्राइमरी फॉलिकल में स्टार्ट्स मियोसिस वन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. मियोसिस वन जो है गेट्स अरेस्टेड एट प्रोफेस वन और ये स्टार डाल के कि फीमेल फीटस एट बर्थ है 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल having primary oocyte at prophase 1. Growth phase is extended up to puberty. Then at puberty under influence of FSH, secretion of more granulosa layers and layer of theca cells to form secondary follicle. Secondary follicle ye ban gaya, uske baad tertiary follicle, ye points hai, aur uske baad Graafian follicle. Phir Graafian follicle ki 14th डे पे हर महीने 14वें दिन हर साइकिल में हम आगे चलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में. ईच मंथ द ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट एंड रिलीज द सेकेंडरी ओओसाइट. ठीक है, ये समझ में आया. पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो. कहां से नोट डाउन करना है आपने? यहां से ओओजेनेसिस ओओगोनिया इन फीटल लाइफ. ऑल ओओगोनिया आर फॉर्मड अप टू 7th मंथ ऑफ फीटल लाइफ. No more oogonia are added after birth. ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया है और उसके बाद यहां से नोट करना. मल्टीप्लीकेटिव फेज ग्रोथ फेज, ठीक है, सराउंडेड बाय ये प्राइमरी फॉलिकल. आपने डायग्राम ये बनाना है यहाँ पे. फिर उसके बाद ये सब लिख के सेकेंडरी फॉलिकल ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद यहाँ टर्शरी फॉलिकल से आगे लिखना शुरू करना. जहां पे नहीं पता चलेगा वो मेरे से पूछ लेना. ठीक है, तो टर्शरी फॉलिकल का भी डायग्राम बना देना. और यहाँ पे एक चीज और, इधर ये पता होना चाहिए सेकेंडरी ओओसाइट स्टार्ट्स मियोसिस टू विच इज अरेस्टेड एट स्टार्ट्स मियोसिस टू विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेज टू. और यहां पे एक पॉइंट और लिख लेना कि वेदर primary polar body divides further or not is not clear. ये अभी तक पता नहीं चला या not known कह लो या not clear कह लो. Is it okay? मैम नीचे वाला पार्ट मत रेज देना. ये वाला तो कर दो, इस साइड वाला. मैम जो सिक्रीशन ऑफ मोर ये लिख रही हूँ अभी. अच्छा,
जो बेटा ग्रेफियन फॉलिकल है, एक तो इसमें सेकेंडरी ओओसाइट है, एग तो पूरा बना नहीं, सेकेंडरी ओओसाइट सस्पेंडेड एट मेटाफेज टू है ना, सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। जो इसके थीका सेल्स है, जो बाहर वाले सेल्स है, दे सिक्रिएट फीमेल सेक्स हॉर्मोन ईस्ट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, राइट। अभी हम इनके आगे फंक्शंस बताएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, राइट। सो दिस इज अबाउट ग्रेफियन फॉलिकल डायग्राम, हमने बनाया हुआ पहले जब हम ओवरी थी, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव साइकल्स इन ह्यूमन फीमेल। ये बना लिया बेटा टर्शरी फॉलिकल सबने, रब कर दो। यस मैम, बस मुझे लिखा है अभी वो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, और इसको हम और क्या बोल देते हैं, दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। हरगुन हो गया बच्चे, रब कर दूं। यस मैम। बेटा इसकी ड्यूरेशन जो है, जो स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं कि अगर किसी की कम या ज्यादा हो तो वो कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं, कईयों की आगे पीछे +2 days +3 days ऐसा हो सकता है, बट स्टैंडर्ड जो हम मैक्सिमम मानते हैं इट इज 28 days की एक साइकिल है। ये नहीं कि पहली तारीख से 28 तारीख तक ऐसे चलती है, नहीं, मतलब हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, किसी भी दिन से वो शुरू हो सकती है। इसमें तीन फेजेस आते हैं, वन टू फिफ्थ डे तक। ये हम स्टैंडर्ड सी एक बता रहे हैं, कम ज्यादा हरेक में हो सकती है। पहले दिन से पांचवें दिन तक जो आता है वो है मेंस्ट्रुअल फेज, इट इज मेनली ब्लीडिंग फेज, जब एंडोमेट्रियम टूटती है और ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर आता है। देन एंडोमेट्रियल थिन हो गई, पहले यहां तक थिक थी, फिर इसने टूटना शुरू किया, और फिर 5 दिन तक जो उसके टूटने से जो टिश्यूज थे, सेल्स थे, वो सब वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के थ्रू बाहर आ गए। उसके बाद 5 to 14 day, तकरीबन 10 days का प्रोलिफरेटिव फेज है। इस फेज में दोबारा से एक सेकेंडरी, एक ग्रेफियन फॉलिकल बना, उसमें एक सेकेंडरी ओओसाइट, एक ही बनेगा, एक ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ, उसमें एक सेकेंडरी ओओसाइट बना प्रोलिफरेटिव फेज में, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम फिर थिक हो। यहाँ पे एक छोटा सा फेज है, जनरली 14 और 15 डे के बीच में, ठीक है, जनरली हम इसको अलग फेज नहीं कहते हैं, बट एक छोटे सा स्टेज है, दिस इज, यहां पर क्या हो जाती है ओव्यूलेशन, ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है और सेकेंडरी ओओसाइट बाहर फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है, दैट इज ओव्यूलेशन। हर साइकिल के कभी भी जब भी शुरू हुई साइकिल, उसके 14th और 15th डे के बीच में कहीं पे भी ओव्यूलेशन एग रिलीज होता है, एग मतलब सेकेंडरी ओओसाइट रिलीज होता है, और 15 से
28th day tak, then there is secretory or luteal phase. यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि जो थिक एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन हो रही है ना, यूट्रस अपने फुल, वो क्या इंतजार कर रही है कि ओव्यूलेशन हो चुकी है, शायद जाइगोट बन गया हो, तो इट वेट्स फॉर द जाइगोट टू बी टू कम इन द यूट्रस एंड गेट्स इम्प्लांटेड. ठीक है, तो ये तकरीबन 13 से 14 दिन तक वेट करती है कि शायद अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए फर्टिलाइज्ड जाइगोट, तो मैं उसको डेवलप करने में हेल्प करूं. बट एंड में मतलब 25th से 28th डे के बीच में फिर उसे पता चल जाता है कि अब जाइगोट ने नहीं आना, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है. तो उस केस में धीरे धीरे जो है स्लोली एंड स्लोली इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग, ये अपना मूड बना लेती है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब जो है अब इतनी थिक एंडोमेट्रियम चाहिए नहीं, तो वो टूटने की तैयारी करती है और फिर साइकिल नई शुरू हो जाती है जब एंडोमेट्रियम टूटना शुरू करती है. अगेन मैं दोबारा से बता रही हूँ, मेंस्ट्रुअल फेज में जो थिक एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक कर जाती है. एंडोमेट्रियम के सेल्स अलोंग विद लॉट ऑफ ब्लड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसको हम मेंसेस भी कह देते हैं. 5 दिन तक एक स्टैंडर्ड सा है, कईयों के 6 दिन 7 दिन 8 दिन भी चलता है, बट एक स्टैंडर्ड है कि 5 दिन तक ये ब्लीडिंग होती रहती है थ्रू वजाइना. फिर थिन एंडोमेट्रियम बन जाती है. यहाँ पर फिर कौन सा हॉर्मोन आ जाता है, FSH आता है. FSH क्या करता है, ग्रेफियन फॉलिकल को मच्योर करता है. ग्रेफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है. ईस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को थिक करने में हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम को डिवाइड करने, उसके सेल्स डिवाइड होते हैं, जो थिन एंडोमेट्रियम थी फिर थिक हो गई. 14th to 15th डे के बीच में जो मच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है वो बर्स्ट हो जाता है एंड इट रिलीजेस सेकेंडरी ओवोसाइट. इट मे गेट फर्टिलाइज्ड और मे नॉट गेट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है इट गेट्स चेंज्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम विच सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन एक चौकीदार है जो थिक एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये फर्दर साइकिल स्टॉप हो जाता है, सिक्रीटरी फेज 9 महीने तक चलता है. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम 10-12 दिनों के बाद डीजेनरेट हो जाता है. कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्ट्रॉन भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और जब प्रोजेस्ट्रॉन बहुत कम हो जाता है तो चौकीदारी खत्म हो जाती है. ठीक है, और उस केस में एंडोमेट्रियम फिर टूट जाती है और फिर मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाते हैं. इज इट ओके? ठीक है, तो 28 डेज की साइकिल है. तो फर्स्ट आ जाता है बेटा, या पहले मैं आपको हॉर्मोन्स का बताऊं बेटा. ये मिड साइकिल है, दैट इज तकरीबन 14th to 15th डे के बीच में है. तो यहाँ पे दो हमारे गोनेडोट्रॉफिक हॉर्मोन्स है, कौन से, FSH एंड LH. यहाँ पे 14th डे के पास आकर देन इट्स पीक, इसकी पीक आ जाती है 14th डे से तकरीबन, हम 14th डे से तो नहीं कहेंगे, ये थोड़ी सी पहले आ जाती है. ठीक है जी, और पीक के बाद इसका अगेन अमाउंट जो है वो कम हो जाता है. दिस इज
उसके बाद आ जाता है बेटा एलएच। एलएच की पहले बहुत कम कंसंट्रेशन है और फिर धीरे 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 बढ़नी शुरू हो रही है, राइट। एंड तकरीबन इसी दौरान जो है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दैट कॉजेस, ये कौन सा फेज है, ओव्यूलेटरी फेज है, राइट। और फिर कम होके बट थोड़ी सी एफएसएस से ज्यादा ही रहती है। ये इस तरह से इसका ग्राफ है, दिस इज एलएच। राइट, थोड़ा सा इस तरह। उसके बाद दो और हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये फर्स्ट डे है, ये तकरीबन 28th डे, और ये 14th डे। अगर हम इसी के ही रिस्पॉन्स में देखें तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, दिस इज ईस्ट्रोजन, ये थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, एंड अगेन 14th डे पे जहां पे FSH LH ज्यादा है वहां पे ईस्ट्रोजन भी ज्यादा है, उसके बाद कम हुआ, एंड अगेन देयर इज वन मोर पीक। दिस इज ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन कम ही है ओव्यूलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बना, देन इसकी पीक जो है वो जाती है, एंड और फिर थोड़े टाइम बाद इट गेट्स देन इट गेट्स This is progesterone. तो आप क्या देख रहे हो कि ओव्यूलेटरी मिड साइकिल में सभी चारों हॉर्मोन तकरीबन प्रोजेस्ट्रॉन को छोड़ के बाकी तीनों हॉर्मोन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो ल्यूटियल फेस में मैक्सिमम है, उसके बाद फिर आगे चल के डिक्रीज कर जाता है। सिर्फ ईस्ट्रोजन है जिसकी दो पीक्स है, मिड साइकिल में भी और ल्यूटियल साइकिल या ल्यूटियल फेज में भी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा। ये दोनों बना लो फटाफट से। ये क्या है, दीज आर नंबर ऑफ डेज। और ये है देयर कंसंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, पहले ये दोनों चीजें बना लो, दिस डायग्राम ऑल्सो, दिस ग्राफ ऑल्सो, फिर मैं आपको लिखवाती थी और दोबारा से समझ। अपने ग्राफ पे नजर टिका के रखनी है और ये देखना है कि सबसे पहला कौन सा फेज था, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 5 दिन तक रहता है, और आप ग्राफ पे देखो कि हमने क्या किया है कि पहले 5 दिन तकरीबन सारे हॉर्मोन्स बहुत मिनिमम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि
मेंस्ट्रुअल फेज जो है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब सारे हॉर्मोन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और उस केस में एंडोमेट्रियम जो है वो टूट जाती है एंड कम्स आउट एज ब्लड, एज सेल्स, एज म्यूकस इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो लो लेवल ऑफ दीज हॉर्मोन FSH, LH, estrogen एंड progesterone, एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना इन फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. इट हैज, इट का मतलब है मेंस्ट्रुअल फ्लो. मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या है, लॉट ऑफ ब्लड है, सिर्फ ब्लड नहीं होता, साथ में बहुत सारा म्यूकस होता है, बहुत सारे सेल्स भी है, एंड सेकेंडरी ओसाइट जो मर गया, जिस जो फर्टिलाइज नहीं हुआ वो भी बाहर आ जाता है एज मेंस्ट्रुअल फ्लो. जब एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है बहुत थिन हो जाती है तो सिक्रीट तो शुरू होता है प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज में क्या है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट दीज रिलीजर हॉर्मोन विच एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, जो क्या सिक्रीट करता है, FSH एंड LH. FSH क्या कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, इट कॉजेस मैच्यूरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल. ग्रेफियन फॉलिकल ने क्या सिक्रीट किया, ईस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हॉर्मोन. ईस्ट्रोजन ने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये तो शुरू शुरू में होंगे, उसके बाद तो मेंटेन ही रहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ यू नो एक्सियल हेयर, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ठीक है. और दूसरा ईस्ट्रोजन का क्या काम है, जो हर मंथली साइकिल में है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. एक तरफ ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर हो गया, साथ ही ईस्ट्रोजन ने यूट्रस की लाइनिंग थिक कर दी, राइट. ड्यूरिंग, ध्यान से देखो पहले, मिड साइकिल, पीक ऑफ FSH, LH एंड ईस्ट्रोजन, आपने पूरा लिखना है, ठीक है. LH causes breakdown of Grafian follicle and causes release of secondary oocyte from ovary. बेटे ग्रेफियन फॉलिकल ओवरी वॉल के साथ अटैच होता है, फ्यूज होता है, टूटता है और सेकेंडरी ओओसाइट को बाहर भेज देता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. सो ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ LH. देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल गेट्स फिल्ड विद येलो फ्लूइड हैविंग ल्यूटिन. ल्यूटिन एक जेंथोपिल टाइप का कैरोटीनॉइड या जेंथोपिल टाइप का एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये येलो कलर्ड बॉडी बन जाती है एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. और याद रखना है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है इज मेंटेन्ड बाय LH. बेटा ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज्यादा LH चाहिए होता है, बट उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा LH चाहिए जो सिक्रीट होता रहता है, राइट. कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय LH एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन.
और इसके बाद जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो नेक्स्ट फेज आ जाता है, दैट इज ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। ल्यूटियल क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है, ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। प्रोलिफरेटिव फेज की ड्यूरेशन है 10 डेज और ल्यूटियल फेज की तकरीबन 13-14 डेज। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं तुम्हें ल्यूटियल फेज के बारे में भी बताती हूँ। चलिए जी, तो ल्यूटियल फेज जो है इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ, लिख लो पहले, ल्यूटियल फेज इज मेनली अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। राइट ऑन, ल्यूटियल फेज इज मेनली अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो थिक एंडोमेट्रियम ईस्ट्रोजन ने की है उसको मेंटेन कर रहा है फॉर इम्प्लांटेशन। सिक्रीशन ऑफ, और ल्यूटियल फेज में क्या होता है, बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट होता है जो सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है। अभी अगर जाइगोट आ गया तो ये ना हो किसी तरह से वो नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है, तो म्यूकस प्लग बनाता है ओवर सर्विक्स। ठीक है, ये ल्यूटियल फेज में हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज एक LH की सिक्रीशन होने की ड्यूरेशन होती है, भी उसके बाद वो LHI फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, बट देयर इज नो सिक्रीशन ऑफ LH आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज, LP नहीं लिखते ना, ल्यूटियल फेज लिखना है, सिक्रीशन ऑफ LH डिक्रीजेस। ठीक है, जिसके कारण अगर LH नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। ठीक है, तो क्योंकि वो, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर है, इट इज मेंटेन्ड बाय LH, अगर LH नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो नो सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। इन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंडोमेट्रियम ब्रेक्स एंड द नेक्स्ट साइकिल देन अगेन स्टार्ट्स, फिर मेंस्ट्रुअल फेज अगली साइकिल का शुरू हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन ये जरूर आएगा माइंड में कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तब भी अगर LH कम हो गया तो फिर क्या होगा, फिर हम आपको ये नेक्स्ट टाइम बताएंगे। दिस इज ल्यूटियल फेज। और यहाँ पे एक चीज और, दैट इज स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल in female at puberty, इसको हम क्या बोलते हैं, menarche, end of reproductive cycles at 45 to 50 years of age is called as, ये सबको पता है, that is menopause. Males में भी हम term use करते हैं andropause, but पूरा female में तो खत्म ही हो जाता है ना, but males में ऐसा नहीं, with age sperm count कम हो जाएगा, semen कम हो जाएगा, andropause तो नहीं होता, but थोड़ा सा you know fertility power कम हो जाती है, खत्म नहीं होती है, but female में बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है ये मैं बताऊंगी बाद में, बट दिस इज मेनार्क एंड मेनोपॉज। शुरू होना रिप्रोडक्टिव फेज मेनार्क, फीमेल्स में एंड होना मेनोपॉज। ठीक है, ये लिख लो और फिर ये कंप्लीट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन।